नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंशली भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा मामला। जी हां, निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा मामला, मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज हाईकोर्ट में सुनवाई। तो इस्तीफा मंजूर ना होने पर हाईकोर्ट पहुंचे थे एमएलए। ये बड़ी खबर, 2 अप्रैल को दायर की थी आज का ये बड़ी खबर आ रही है, निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा मामला से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। तो सीजीएमएस रामचंद्र राव की कोर्ट में फैसला होगा इस्तीफा मंजूर ना होने पर। हाईकोर्ट पहुंचे थे एमएलए, निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा मामला, मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, विकास शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, आज निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। देखिए बिल्कुल अंजलि, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरफ जहां हिमाचल प्रदेश में 6 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, क्योंकि उनकी उनको जो है 6 विधायकों को अयोग्य जो है वो विधानसभा में करार दिया गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार जो है राजनीतिक हलचल, जो उठा पटक है वो भी इस बीच होती रही। और ये जो विधायक हैं तमाम, जिनको अयोग्य घोषित किया गया था, जो 6 विधायक थे, उसके बाद इनको इन्होंने जो है वो भाजपा ज्वाइन कर ली थी। और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जो 3 इस्तीफे और जो निर्दलीय विधायकों के हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, क्या इन 3 निर्दलीय जो सीटें ये हैं, क्या इन 3 विधानसभाओं में भी अब उपचुनाव होंगे, इसको लेकर संशय बरकरार है। एक तरफ जहां इन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि हमारी मर्जी है, इस्तीफा हमारी मर्जी के हिसाब से जो है वो यहाँ पर दिया गया है, तो लिहाजा विधानसभा स्पीकर को जो है ये 3 इस्तीफे स्वीकार जो है वो यहाँ पर किए जाने चाहिए। इस बात को लेकर लगातार पत्राचार जो है वो स्पीकर और राजभवन के बीच में भी लगातार हो रहा है, लेकिन परिस्थितियां वही हैं कि क्या इसके पीछे कोई और मंशा हो सकती है, क्योंकि 2 मंत्री इस बात का विरोध कर रहे हैं कि क्यों आखिरकार 5 साल के लिए चुने गए इन विधायकों ने, यानी 3 विधायकों ने आज इस्तीफा जो है वो यहाँ पर दिया है। जी, इन सारी चीजों को जो है, इन पूरे घटनाक्रम को जो है वो देखा जा रहा है। आज 10 अप्रैल का दिन है और आज के दिन ही नोटिस जो है जो स्पीकर की तरफ से जारी किया गया था इन 3 विधायकों को, भी कारण बताइए कि किस वजह से आपने जो है यहाँ पर अपने इस्तीफे दिए हैं, क्योंकि 5 साल के लिए जनता ने आपको यहाँ पर चुना था, तो ऐसी क्या वजह है कि 15 महीने के भीतर ही आपको इस्तीफा जो है यहाँ पर देना पड़ा। जो 2 मंत्री जिन्होंने शिकायत यहाँ पर की थी, जिसके ऊपर यहाँ पर नोटिस स्पीकर की तरफ से इन 3 लोगों को जारी किया गया था, वो शिक्षा मंत्री और जगत सिंह नेगी जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर, इन दोनों की तरफ से यहाँ पर स्पीकर को एक एप्लीकेशन दी गई थी, शिकायत पत्र दिया गया था, जिसके बाद नोटिस जारी किए गए थे। आज 10 अप्रैल का दिन है, आज ही के दिन विधानसभा में फिर से ये 3 विधायक जो है वो उनको अपना उत्तर जो है वो विधानसभा स्पीकर को देना है। लिहाजा इसी कड़ी में, क्योंकि इससे पहले ही ये लोग कोर्ट चले गए थे, मंगलवार को कोर्ट गए थे, आज तक पहली सुनवाई जो है वो यहाँ पर होनी है। तो निश्चित रूप पर जो देखा जाए तो राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो किस तरह से बदल रहा है, क्या इन 3 सीटों पर भी अब उपचुनाव होंगे, क्योंकि स्पीकर अगर इस्तीफा स्वीकार करते हैं तो ही इस बात की घोषणा होगी। अगर स्पीकर की तरफ से इस्तीफा स्वीकार जो है वो यहाँ पर नहीं किए जाते हैं, तो ये लोग अब हाईकोर्ट में गए हैं, अब अगली सुनवाई या अगला फैसला जो है वो यहाँ पर हाईकोर्ट को लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 अप्रैल को दायर की थी याचिका, जिस पर आज सुनवाई जो है वो होगी। निर्दलीय विधायकों का इस्तीफे मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीजीएमएस रामचंद्र राव की कोर्ट में फैसला होगा, इस्तीफा मंजूर ना होने पर हाईकोर्ट। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की, रुक करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, इस बीच पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल का आज जन्मदिन, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। केंद्रीय मंत्री भी करेंगे शिरकत। तो बड़ी जानकारी, अनुराग ठाकुर भी पहुंचेंगे। तो पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल का आज जन्मदिन। केंद्रीय मंत्री भी शिरकत करेंगे, अनुराग ठाकुर भी यहां पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल का आज जन्मदिन।
ये बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री भी शिरकत करेंगे, अनुराग ठाकुर भी पहुंचेंगे। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल का आज जन्मदिन, तो कई केंद्रीय मंत्री, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री भी यहां पर शिरकत करेंगे। खास विशेष तौर पर कार्यक्रम का यह आयोजन किया गया है यहां पर। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल का आज जन्मदिन, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है सीएम सुक्खू के हमीरपुर दौरे का चौथा दिन। जी हां, चौथा दिन है आज। रूपका में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, सीएम सुक्खू सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे चुनावी टिप्स। अशोक राणा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हमीरपुर से ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, आज चौथा दिन है हमीरपुर में मुख्यमंत्री के प्रवास का, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री का आज हमीरपुर में जो है चौथा दिन है, और आज जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का जो आयोजन तरोका नाम का स्थान है वहां पर किया जा रहा है। इसमें जो है जो विधानसभा क्षेत्र है जिनमें जो उपचुनाव होने हैं, बक्सर है, सुजानपुर है और कुटलहड़ और ग्रेट, इसके जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के जो अध्यक्ष और संगठन जो पदाधिकारी है इस बैठक में जो है विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे और मुख्यमंत्री जो है इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जी फिलहाल कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है कि अभी तक जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो है अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, इसी को लेकर जो है यह बैठक आयोजित की जा रही है और मुख्यमंत्री जो है पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से जो है फीडबैक ले रहे हैं कि किस प्रत्याशी को जो है मैदान में उतारा जाए ताकि जो कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के महापर्व की। बता दें आपको कि शक्तिपीठ में नवरात्र मेले का आगाज हो गया है और ये नवरात्र मेला 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक यहाँ पर किया जा रहा है। इस मेले का जो सिरमौर डीसी ने प्रमुख मंदिर में विधिवत हवन और पूजन करने के बाद शुभारंभ किया। डीसी सुमित खिमटा ने बताया कि नवरात्र मेले के मद्देनजर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। जैसा कि आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि जो है ये मेला यहाँ पर बाला सुंदरी माता के मनाया जाएगा 9 से 23 अप्रैल तक। तो इसमें प्रशासन की तरफ से, जो टेंपल ट्रस्ट की तरफ से सारी सुविधाएं जो यहाँ पे श्रद्धालु लोग आ रहे हैं उनके लिए करी गई है, वो चाहे पेयजल की है, चाहे स्वास्थ्य की है, और सुरक्षा का भी यहाँ पर काफ़ी कड़ा इंतज़ाम किया गया है जिसमें हमारे तकरीबन 450 जवान पुलिस के और होमगार्ड्स के हैं लगे हुए हैं। और हमारी कोशिश है कि जितने भी यहाँ पर नियर बाय एरिया से श्रद्धालु लोग आते हैं तो उनको हम लोग अच्छी सुविधा, साफ सफाई प्रदान कर पाएँ और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो चाहे शौचालय की है, पेयजल की है, स्वास्थ्य की है, वो भी इनको उपलब्ध करवा पाएँ। और हमारी ये कोशिश है कि जो हमारा मेला है ये स्मूथ तरीके से चले क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम भी है और इस मेले में काफ़ी रश भी रहता है। तो प्रशासन की तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट थी हमारी तरफ से वो पूरी कर दी गई है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के हिंदू नववर्ष का आगाज हो गया है और नववर्ष के आगमन पर छोटी काशी के भूतनाथ मंदिर में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में धार्मिक सामाजिक संस्थाओं ने शहरी मंच पर हिंदू नव हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश पूजन के साथ किया गया और इसके बाद हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने अपनी प्रस्तुति दर्ज करवाई और वहीं इस मौके पर नगर निगम मेयर वीरेंद्र भट्ट और राजपूत सभा मंडी इकाई प्रधान शमशेर सिंह मिनास ने धर्म संघ के प्रयास की सराहना की। धर्म संघ मंडी द्वारा इस बार ऐतिहासिक शहरी मंच पर
ये जो पर्व है, महोत्सव है, बहुत बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। इसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चे और शहर के सभी लोग भाग ले रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। हमारी संस्कृति से बच्चों को भी रूबरू होना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है विलुप्त होती जा रही है। बच्चों द्वारा यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 5 दिनों के हमीरपुर दौरे पर हैं, जिसमें सीएम कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनावों के लिए किस तरह के प्रत्याशी होने चाहिए, इसके लिए भी मंथन किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने जयराम ठाकुर पर भी जमकर हमला बोला और बीजेपी प्रत्याशी कंगना के बीफ मामले पर बीजेपी को आड़े हाथ लिया। ऐसा ना जयराम जी को बयानबाजी करनी है, वो हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। परेशान हो जाते हैं, हम सभी जगह चारों लोकसभा में जिताऊ प्रत्याशी देंगे। उनको पता है कि हमारे प्रत्याशी मैदान में आने वाले हैं। अब इस दृष्टि से वो इस प्रकार के बयान देते हैं। जयराम जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि जयराम ठाकुर जी हमीरपुर आए जब मुख्यमंत्री बने थे। आजकल मैंने देखा कि उनके समीरपुर प्रेम कुमार धूमल जी के घर की तरफ काफी जाना हो गया है, और जो कांग्रेस के बीके विधायक है वो भी उनके चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। चलो देर आए दुरुस्त आए, पर जयराम जी को 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, हमीरपुर जिला की कोई याद नहीं आई। जिस जिला ने 2 बार प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया हो और जिसके मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी को घोषित कर दिया हो, जिसके कारण 2017 में प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार बनी, वो मुख्यमंत्री जब थे तब वो धूमल साहब के पास नहीं गए, और अब क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अब उनको मतलब लगा तो उनके पास जाने जा रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री 2017 से 22 तक थे तो क्यों नहीं वो धूमल साहब से पूछने गए कि क्या सलाह लेनी। जो जयराम जी नौटंकी कर रहे हैं, ये जयराम जी नौटंकी इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी नाक बच जाए, पर हिमाचल की जनता जानती है जो सरकार जनता के वोट पर चुनकर आई, उस सरकार को नोट के दम पर गिराने की कोशिश जो जयराम ठाकुर जी ने की है, जो लोकतंत्र की हत्या की है। हिमाचल का जनमानस जागरूक है, हर 5 साल के बाद सरकार को बदलता है और 5 साल के लिए उस सरकार को बनाता भी है। बीफ मामले में अगर किसी ने कहा है कि हमने गाय का गौमांस का मीट खाया है, उसकी कोई वीडियो होगी तो वो क्यों खाया? हमारे सनातन धर्म में तो नहीं करते ना ऐसा, हमारे तो हिंदू धर्म में और हिंदू संस्कृति में नहीं कहते। तो ये चीजें तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा चुनावों के समय। उधर धर्मशाला से बीजेपी प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने सिविल जज न्यायालय में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ मानहानि केस की क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू ने सार्वजनिक मंच से बयान दिया कि बीजेपी में जाने वाले कांग्रेस के बागी विधायक 15 करोड़ में बिके हैं और सुधीर शर्मा उनका सरगना है, जो कि बिल्कुल ही तथ्यहीन है। इस बयान की वजह से हमने पुलिस को भी शिकायत दी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए अब मैंने कोर्ट में ये कंप्लेंट दर्ज करवाई है और मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। हमने आज यहाँ अपनी जो क्रिमिनल कंप्लेंट है वो दायर की है। इसमें मुख्यमंत्री के अगेंस्ट जो है वो इंडियन पेनल कोड आईपीसी के धारा 499 और 500 के अंतर्गत सीधा सीधा मामला बनता है, और मुझे देश की न्यायपालिका और न्यायालय पर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि शीघ्र ही इसके ऊपर एक्शन होगा। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बयान दिया था कि विधायकों के कहने पर सारे काम किए हैं,
इस बयान पर हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अंतरात्मा जानती है कि क्या काम हमारे कहने पर किए हैं। मुख्यमंत्री की राजनीति ही झूठ फटकी है और वे इसी झूठ के सहारे लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने हमीरपुर की जनता की भावनाओं के साथ खेला है। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्हें अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने पहले भी कार्यक्रमों में कहा कि ये शुरू से ही झूठ बोलते आ रहे हैं। झूठ की बुनियाद पे इनकी राजनीति चली हुई है और अभी भी झूठ बोले जा रहे हैं। ऐसे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो क्या इंद्रदत्त लखनपाल जी भी झूठ बोल रहे हैं, राजेंद्र राणा जी भी झूठ बोल रहे हैं, जो बाकी के ये तो दो अपने जिले के हैं, जो बाकी के 6 लोग हैं प्रदेश से वो भी झूठ बोल रहे हैं, केवल यही सत्य बोल रहे हैं। ये उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या कमियां उनमें रही जो ये लोग चले गए। कमियां सिर्फ एक ही है, क्योंकि इन्होंने प्रताड़ित किए हैं लोग, इन्होंने जनता की भावनाओं के साथ खेला है और हमीरपुर की जनता की भावनाओं के साथ पूरी तरह से खेला है। जब भी मैं इनके पास कार्य के लिए गया पिछले 8 महीने में मुझे समय नहीं मिला है। ऊपर से मुझे ये तक बोला गया कि अभी नहीं, अभी 3 महीने बाद मिलने आओ। तो मैं समझता हूँ कि वो मेरा तिरस्कार नहीं था, वो मेरी जनता का तिरस्कार इन्होंने किया है। और मेरे बोलने पर मैंने जब इनसे शुरू में जब कार्यक्रम हमीरपुर गांधी चौक पर करवाया था उसमें मैंने जो अपनी डिमांड्स रखी थी, जिसमें बस स्टैंड हमीरपुर भी था, दसौता महादेव का सौंदर्यीकरण था मंदिर का, तो उसमें जो बस स्टैंड हमीरपुर है उसके लिए इन्होंने कार्य शुरू किया है 27 फरवरी के बाद, जब आचार संहिता लगने वाली थी उससे पहले। तो मैं उसके लिए इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि ये काम शुरू इन्होंने किया है। बाकी झूठ बोलने की ना तो हमारे संस्कार है ना संस्कृति है, ये इनका कार्य है, ये इन्हीं को मुबारक। उधर ठियोग विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो जहाज है उस पर भीड़ बढ़ती जा रही है और जिस वजह से वो जहाज बढ़ते बोझ की वजह से डूब जाएगा। वहीं उन्होंने सेब के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के बागवानों से चुनाव में वायदे किए थे लेकिन इससे उलट हुआ। बीजेपी के शासन में प्रदेश के सेब आर्थिकी पर संकट पैदा हो गया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके उनके कार्यकर्ता हैं, उनमें बड़ी हताशा है। उन्हें ये लग रहा है कि बाहर से आकर लोग उन्हें दबाने का जो है प्रयास कर रहे थे, तो ये हताशा आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पे दिखेगी। प्रत्याशियों के नामों में बड़ा समय लग रहा है, कांग्रेस पार्टी अब तक डिक्लेयर नहीं कर पाई है, बीजेपी उपचुनाव के लिए भी कैंडिडेट तय कर चुकी है और लोकसभा के लिए 4 सीटों पर प्रत्याशी आ गए हैं, चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया, लेकिन कांग्रेस में भी मंथन ही चल रहा है। क्या कोई प्रत्याशी मिल नहीं पा रहा है, चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है लोग? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रत्याशियों की लंबी सूची है, लेकिन अभी हमारे पास जो है समय है और जल्दी मुझे लगता है पार्टी आला कमान जो है प्रत्याशियों को लेकर फैसला करने वाली। चलिए इसी के साथ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।